बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बॉक्सिंग डे पे मैंने कुछ शॉपिंग की थी, मेरा बेटा पाकिस्तान जा रहा है तो फिर मेरा भी एक प्रोग्राम बन गया, तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी कुछ शॉपिंग अपने हिसाब से करूँगी बच्चों के लिए, वहाँ गिफ्ट वगैरह करने के लिए। मेरे भतीजे हैं तो उनके लिए मैंने शॉपिंग की थी। मेरे देवर के बच्चे हैं तो ये मैंने अपनी एक भतीजी के लिए लिया था एक जैकेट। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, एकदम देख के मुझे ये बहुत ही पसंद आया, तो ये मैंने सोचा कि मैं ये ज़रूर लेती हूँ। मैंने प्राइस भी नहीं देखी कि क्या प्राइस है। मुझे इसका कलर भी अच्छा लगा था और इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद आया था। ये जैकेट जो है ये पफर जैकेट है वैसे, लेकिन बहुत ही लाइट वेट है और वाटरप्रूफ भी है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कम्फर्टेबल है और विंड प्रूफ भी है ये। और इसका जो इनर है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मुझे अच्छा लगा ये। इसका यहाँ नीचे इलास्टिक वगैरह लगा हुआ है और बाजुओं पे भी इसका इलास्टिक है, बहुत ही मुझे क्यूट लगी इसकी, मतलब इसकी जो कैप है वो भी बहुत गर्म है और इसके ऊपर छोटे छोटे से हॉर्सेस वगैरह बने हुए थे, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगी ये जैकेट। और ये वैसे बहुत गर्म जैकेट है, ज़ाहिर है यहाँ के हिसाब से यहाँ पे वेदर जैसा होता है तो यहाँ पे बहुत गर्म जैकेट्स पहनी जाती हैं। तो पाकिस्तान में जब मैं लेके जाती थी जैकेट्स वगैरह तो सब कहते थे ये बहुत गर्म होती हैं, आप ना लाया करें। तो फिर मैं बस फिर कोशिश करती थी कि मैं लाइट वेट सी कुछ लेके जाऊँ, कुछ हुडीज़ वगैरह इस तरह। लेकिन ये जैकेट मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं इसको छोड़ना ही नहीं चाह रही थी, और वहाँ पर इससे बड़े साइज़ थे और सबसे छोटा साइज़ ये था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जैसा भी है मैं ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। बड़े मैं वैसे भी किसी को देना हो तो मैं फिर बड़ा साइज़ ही देती हूँ कपड़ों में, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े जो बड़ा साइज़ जो होता है वो तो फिर काम आ जाता है। तो अब तो वैसे भी पाकिस्तान में थोड़ा सर्दी तो कुछ कम ही हो गई है। तो इसके अलावा ये मैंने उसकी छोटी सिस्टर के लिए मैंने ये लिया था एक ऑफ वाइट कलर में, मुझे बहुत क्यूट सा लगा था ये और बड़ा फैंसी सा उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था। और ये बड़ी बेटी के लिए मैंने ये एक हुडी ली थी, ये पिंक कलर की है। मैंने सोचा था कि मैं जब भी किसी बच्चे के लिए अब लेके जाऊंगी कोई चीज़ से पिंक कलर में नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे पिंक कलर में ये अच्छी लगी। और ये इसकी जो हुड है ये बहुत ही मुझे क्यूट लगी, इतना अच्छा सा इस पर ये क्यूट सा ये डिज़ाइन बना हुआ था, तो ये फिर मैंने ले ली। इसमें एक दो कलर्स और भी थे, वाइट कलर भी था और शायद ग्रीन था आई थिंक, तो लेकिन मुझे पिंक ही फिर अच्छी लगी थी। तो फिर उसकी छोटी सिस्टर के लिए मैंने ये किए सेम वैसे ही ले ली, मैंने कहा चलो दोनों की सेम हो जाएगी। तो ये मैंने बाद में देखा कि इसके जो हुड का डिज़ाइन है वो घर आके मैंने देखा था कि वो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैं समझ रही थी सेम ही होगा तो मैंने वो उठा लिया बस जल्दी से। तो ये फिर मैंने सोचा था चेंज करवाऊँगी, बच्चे कहने लगे नहीं मामा ये बहुत क्यूट लग रहा है आप ये रहने दें, तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आई ये दोनों चीज़ें, और दोनों की साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, तो मैंने कहा चलो बड़ा साइज़ जो होता है वो तो बच्चे पहन लेते हैं बाद में, नेक्स्ट ईयर पहन लेंगे। तो ये मैंने ओशकोश से ली थी ये जैकेट भी, और ये वाले जो हैं बच्चों के कपड़े ये वाले मैंने ओशकोश से बाय किए थे। और ये भी लाइट ब्लू कलर का मैंने ये लिया था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइट ब्लू कलर मेरा वैसे भी बहुत फेवरेट है, और ये बहुत ही बच्चों के लिए मुझे ऐसा स्टफ़ बहुत पसंद है, बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल रहता है ये। और इसमें ग्रे कलर भी था, लेकिन ग्रे कलर के कपड़े मैं वैसे बच्चों के नहीं लेती, मैं अपने बच्चों के भी नहीं लेती थी, ग्रे कलर और ब्राउन कलर तो कभी कभी लेती थी जब बहुत ही मुझे कुछ स्टाइलिश लगता था। तो ये मुझे ग्रे शर्ट वहाँ पर थी, टी शर्ट मुझे नज़र आई थी, तो उसकी ये जो क्यूट सी बो थी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कोशिश किया कि इसमें कोई और कलर मिले, लेकिन और कलर मुझे नज़र नहीं आया कोई भी, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये मुझे वो बहुत ही अच्छी लग रही थी और इस पर ये थोड़ी फैंसी सी लुक थी, तो मैंने कहा चलो ग्रे कलर में ले लेती। ये जैकेट भी मैंने अपने देवर की छोटी बेटी के लिए बाय की थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी मल्टी कलर में, और ऐसे ब्राइट कलर्स जो हैं ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। और ये भी लाइट वेट है और वाटरप्रूफ भी है और बहुत ही कंफर्टेबल जैकेट है ये, और मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई। ये सेल थी तो हाफ़ प्राइस में मुझे मिली, तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी प्राइस में ये इतनी अच्छी जैकेट मिल जाएगी। और बहुत ही अच्छा स्टफ़ है ये, इनर भी और आउटसाइड से भी बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने चिल्ड्रन प्लेस से बाय की थी,
और चिल्ड्रन प्लेस जो है मेरा तो बहुत ही फेवरेट ब्रांड है, क्योंकि मैंने अपनी अपनी बेटियों के लिए भी मैंने चिल्ड्रन प्लेस से हमेशा मैंने शॉपिंग की, और बल्कि मैं किसी को भी गिफ्ट देने के लिए मैं चिल्ड्रन प्लेस से ही स्टफ़ लेती थी, सारी चीज़ें तो उन्हें भी बहुत पसंद आती थी। और इवन मेरी एक रिलेटिव हैं, उनकी जो सिस्टर हैं वो इंग्लैंड में रहती हैं, और हालांकि इंग्लैंड में बहुत से अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो यहाँ से अक्सर मंगवाती हैं चिल्ड्रन प्लेस से। तो ये मतलब ख़राब भी नहीं होता, इसका कलर ख़राब नहीं होता, और इसमें जो एक शाइनी सी चीज़ होती है टी शर्ट्स वगैरह में ग्लिटर सा होता है, वो भी नहीं उतरता वॉश करने से, चाहे कितनी बार भी वॉश करें। तो मुझे ये इसलिए ये स्टफ़ इसका बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से मैंने ये एक छोटी सी टी शर्ट भी ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये पिंक कलर में थी और ये बहुत ही क्यूट लग रही थी मुझे, तो मैंने ये भी छोटी बेटी के लिए बाय कर ली। एक्चुअली बच्चों की बेटियों की शॉपिंग का बहुत मज़ा आता है, बच्चों का जो लड़कियों का जो स्टफ़ होता है उसमें वैरायटी बहुत होती है, तो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये मैंने अपने देवर के बेटे के लिए एक हुडी बाय की थी, ये भी मुझे बहुत अच्छा प्रिंट लगता है, आर्मी प्रिंट जो है, तो ये मैंने सोचा कि उसके लिए मैं हुडी ले लेती हूँ, क्योंकि अगर जैकेट लूँ तो उसके लिए फिर स्पेस की भी मसला होता है, कि ज़ाहिर है अपना भी स्टफ़ लेके जाना होता है, काफ़ी सामान होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं हुडी ले लेती हूँ उसके लिए। पहले तो मैंने सोचा था जैकेट ही लूँ, क्योंकि फिर बच्चों का होता है कि अच्छा उनकी जैकेट है तो हमारी क्यों नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं उसके लिए कुछ और भी देख लूँगी बाद में, क्योंकि पाकिस्तान जब जाना होता है तो अपना भी काफ़ी सामान होता है और वहाँ पे और भी रिलेटिव्स होते हैं, तो फिर सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही होता है। तो फिर मैंने कहा देखेंगे एंड पे, अगर वेट का हिसाब लगाएंगे और कुछ अगर स्पेस वगैरह हुई तो फिर देख लेंगे। और वहाँ पे हमारे कुछ और भी रिलेटिव्स हैं तो उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए मैंने ये लिया था डिज्नी से। डिज्नी में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और मैं चक्कर लगाती हूँ अक्सर, और बच्चे तो खैर बड़े हो गए हैं तो वो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन बहरहाल मैं ज़रूर चक्कर लगाती हूँ, तो फिर कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाता है। और ये मेरी बेटी ने एक ड्रेस लिया था, ड्रेस कह लें शर्ट कह लें या गाउन कह लें, ये अमेरिकन ईगल से लिया था, और ये क्रिंकल टाइप इसका कपड़ा है बारीक सा, तो उसे अच्छा लगा तो उसने ले लिया, और मुझे कह रही थी कि ये इसके साथ नीचे पहनने वाली मुझे एक ब्लैक शर्ट चाहिए, आप मुझे पाकिस्तान से ये सिलवा के दें, तो ये मैं फिर साथ ही लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी दूसरी बेटी जो है उसे भी सेम ऐसा ही ड्रेस चाहिए, तो मैंने सोचा चलो मैं पाकिस्तान ले जाऊंगी, तो फिर से टेलर को दिखा के तो मैं सिलवा लूँगी। और इसका कपड़ा अच्छा है वैसे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान से अपनी मर्ज़ी से कोई भी कपड़ा लेके तो हम सिलवा सकते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा कपड़ा मिल जाता है। और ये मैंने अपने लिए एक स्कार्फ लिया था, मैंने सोचा चलो मैं भी अपने लिए कुछ बाय कर लूँ, और ऑलरेडी स्कार्फ तो होती हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलो कोई नई चीज़ मैं भी ले लूं, और पाकिस्तान में ज़ाहिर है इतनी अभी सर्दी होगी जब हम लोग जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, शाम के टाइम कभी सर्दी हो भी जाती है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और मैंने ये कहना था कि मेरी कुछ यूट्यूब फ्रेंड्स कहती हैं कि आप जल्दी जल्दी अपनी वीडियोज़ डाल रही हैं, तो पहले तो मैं 15 दिन बाद डालती थी या फिर हफ्ते या 10 दिन के बाद, और अभी मैंने रिसेंटली बस ये मैंने डाली हैं कुछ 2-3 वीडियोस वीक में, तो 2 या 3 दिन बाद ही मैं डालती हूँ आमतौर पे, तो प्लीज़ आप देख लिया करें। और ये मेरी बेटी ने लज़ानिया बनाया था, बहुत टेस्टी बना था, लेकिन थोड़ा सा वो भूल गई थी तो थोड़ा ये क्रस्टी सा हो गया ऊपर से थोड़ा सा, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। तो ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।